हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स पांडेज डेंटल क्लिनिक। आज मैं आप लोगों से अपने डेली रूटीन में की जाने वाली गलतियों के बारे में बातें करूंगी। जब हम अपने दांतों की सफाई करते हैं या हम अपने मुख की सफाई करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं, अनजाने में ही सही पर हो जाती हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप भी है। सबसे पहली गलती, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्रश करना। हम जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्रश करते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत और मसूड़े दोनों पे हार्म पहुँचता है। इसीलिए ये डेंटिस्ट रिकमेंडेड होता है कि 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, एक ही ब्रश को बहुत लंबे समय तक यूज़ करना। अगर कोई ब्रश है, ब्रश का ये पार्ट होता है, इसको हम लोग ब्रिस्टल पार्ट बोलते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो इसके ये पार्ट जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं या शार्प हो जाते हैं। तो जब हम उनसे ब्रश करते हैं तो अक्सर हमारे मसूड़े जो है वो डैमेज पहुँचा और दांतें ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए हर 3 महीने के बाद डेंटिस्ट रिकमेंडेड है कि ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। तीसरी गलती होती है कि हम लोग जब भी ब्रश करते हैं या कोई भी माउथ वॉश यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे मुंह क्लीन रह सके, तो अक्सर उसको करने के बाद तुरंत ही पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अपने मुंह की सफाई करने में या पेस्ट यूज़ कीजिए या फिर माउथ वॉश यूज़ कीजिए, उसको करने के 5 से 8 मिनट तक उसको वैसे ही मुँह में छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पानी से कुल्ला कीजिए। चौथी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब भी हम अपने ब्रश को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसे बाथरूम में टांग देना या लटका देना, वहीं पे रख देना। तो ये बहुत सारे रिसर्चेस ये साबित कर चुकी हैं कि जब हम बाथरूम में अपने ब्रश को खुली अवस्था में भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उसके ब्रिस्टल के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, और उसी को जब हम अपने मुंह में डाल के ब्रश करते हैं तो अक्सर हमारे मुंह में होने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रश करने के बाद या तो उसे प्रोटेक्टिंग लेयर लगा करके उसको बाथरूम में रखिए, और नहीं तो बेटर ये है कि आप उसे हमेशा बाथरूम से बाहर ही रखिए। अगली मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि अगर हम ब्रश कर लेते हैं या फिर माउथ वॉश यूज़ कर लेते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे दांत जो हैं, मुख जो हैं, वो पूरे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं होता है। 2 दांत के बीच जहाँ पे 2 दांत चिपके होते हैं उनके बीच की सफाई अभी भी रह जाती है, तो उसके लिए हमें फ्लॉशिंग यूज़ करना चाहिए। फ्लॉस जो होता है वो कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है सिंपल थ्रेड वाला, जिसको कि बीच में लगाए और ऐसे आर पार ऐसे मूवमेंट किए और वो क्लीन हो जाता है। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्लॉसेस आती हैं जैसे आप इंडिविजुअली एक बार यूज़ करके उसको थ्रो आउट कर सकते हैं, या फिर आप वाटर फ्लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर फ्लॉस में एक प्रेशर दिया हुआ होता है, उस पर आप पर्टिकुलर उस प्रेशर को आप यूज़ करके अपने मुंह के जो जितने भी बीच के जो पार्टिकल चिपके होते हैं उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद जो तुरंत बाद हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टंग क्लीनर। टंग क्लीनर जो है वो बहुत ही जेंटल होना चाहिए, बहुत ही हार्श तरीके से अपने टंग को क्लीन नहीं करना चाहिए। बेटर ये होता है कि जो ब्रश है, ब्रश के इसी पार्ट से हम अपने दांत जीभ की भी अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अगली गलती ये होती है कि हम लोग बहुत ही हार्ड टूथ ब्रश का यूज़ करते हैं, तो कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड टूथ ब्रश यूज़ नहीं करना है। टूथब्रश के इस पार्ट्स को हमेशा चेक करना है जो आसानी से ब्रश हो सके दांतों के ऊपर, तो उस वैसे ब्रशों का यूज़ करना चाहिए। मार्केट्स में ऐसे बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जो सेंसिटिविटी के लिए ही बने होते हैं, जो बहुत ही हेयर जैसे उनके ब्रिस्टल पार्ट होते हैं, तो वैसे ब्रशों का यूज़ कीजिए। इससे आपके ना तो दांत खराब होंगे ना तो उनके मसूड़े में किसी प्रकार की कोई हार्म पहुँचेगी। नेक्स्ट गलती ये होती है कि जब भी कभी ब्रश करते हैं तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन में नहीं करते। ब्रशिंग हमेशा ऐसे करनी चाहिए, कभी भी ब्रश ऐसे या ऐसे स्ट्रेट नहीं करने चाहिए। सर्कुलर मोशन में ब्रश करने से बहुत सारे जो जिंजाइवा जो जो गम के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फ्लश आउट हो जाते हैं।
और नेक्स्ट गलती ये होती है कि हम लोग स्ट्रेट ब्रश करते हैं तो ब्रश का हमेशा एंगुलेशन में होना चाहिए, 45 डिग्री के एंगुलेशन में इस पोजीशन में ब्रश को रख के ऐसे ब्रश करना चाहिए जिससे कि जो जिंजाइवल का पार्ट होता है वो भी क्लीन हो सके और टूथ भी क्लीन हो सके। नेक्स्ट जो होता है कि हम लोग डेली एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, हमें चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, तो इसमें गलती क्या होती है कि एक ही टूथब्रश या एक ही टूथपेस्ट अगर लंबे समय तक यूज़ किया जाता है, आप उसकी ब्रांड को चेंज नहीं कर रहे हैं या टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे मुंह में होने वाले परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हर 2 या 3 महीने के बाद टूथब्रश के साथ साथ अपने टूथपेस्ट को भी चेंज कीजिए, जिससे कि प्रॉपर आपको जिस चीज़ की अगर आपके बॉडी में कमी होगी, आपके दांतों में कमी होगी, उस चीज़ की उसकी भरपाई जो होती है वो टूथपेस्ट से हो जाती है। सबसे ज़्यादा ब्रश करना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 4 बार 5 बार अगर ब्रश करते हैं तो हमारे मुंह उतने ही ज़्यादा साफ होंगे, बट ये एक तरह का मिथ है, एक गलत धारणा है। ब्रश जो है वो सिर्फ सुबह और रात में सोने से पहले कीजिए, बस ये इतना ही। 2 बार ब्रश जो है वो डेंटिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड है, बस इतना ही करना चाहिए। टिप है, कभी भी ब्रश करने के बाद या माउथ वॉश यूज करने के बाद 30 मिनट तक वेट करना चाहिए। 30 मिनट तक आपको कुछ भी ना तो खाना चाहिए ना तो पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो ओरल हाइजीन है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा, आपके ओरल कैविटी में किसी प्रकार के कोई बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे। जब भी ब्रश करते हैं या माउथ वॉश करते हैं तो पीएच लेवल जो होता है वो मुंह का चेंज हो जाता है, तो उसको अपने पीएच लेवल में आने में नॉर्मली 20 मिनट या 25 मिनट का समय लग ही जाता है। तो आई होप कि आप जो गलती आज तक कर रहे होंगे वो अब आप उसको सुधार लेंगे और नेक्स्ट दिन से आप उसी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।